अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो ख्वातीन हजरात के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से उन तमाम गरीब और मुस्तहिक ख्वातीन हजरात के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जो ख्वातीन हजरात BISP की पेमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, कब जाकर हमें हुकूमत की जानिब से BISP के जो पैसे हैं, BISP की जो इमदाद है वो मिलना स्टार्ट होगी, तो तमाम गरीब खानदानों की, तमाम गरीब और मुस्तहिक ख्वातीन हजरात की इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, हुकूमत की जानिब से BISP की पेमेंट का आगाज कर दिया। लेकिन कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने घर के किसी भी करीबी अदायगी मरकज से जाकर अपनी इमदाद को वसूल कर सकते हैं। उनमें से काफी सी खवातीन नजर आते हैं जिन खवातीन को हुकूमत की जानिब से BISP के जो 9000 रुपए की इमदाद है वो मिल चुकी है, लेकिन काफी ऐसी खवातीन नजरात भी हैं जिन खवातीन को यह कहा गया कि आपको इस प्रोग्राम की जानिब से नाइल कर दे और आप अपने नाम को अगर आप आहिल करवाना चाहते हैं तो फिर भी आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको हुकूमत की जानिब से आहिल भी किया गया और आप फिर भी अपनी इमदाद को चेक करना चाहते हैं, अपनी इमदाद को लेना चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा पहले काम करना पड़ेगा। वो कौन सा काम है, किस तरीके कार के जरिए आप अपनी इमदाद को वसूल करेंगे, उसके बारे में मैं आपके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। लिहाजा आज के इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, आज के इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना चलेगा। वीडियो जानने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होती है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आज के नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से जिन खवातीन हजरात को आहिल किया गया है लेकिन वो हुकूमत की जानिब से अपनी इमदाद को हासिल करना चाहती है, तो उनसे पहले आपने क्या करना है, अपने घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए अपनी इमदाद के बारे में जांच पड़ताल कर लेनी है कि आपकी हुकूमत की जानिब से आपकी इमदाद आ चुकी है या फिर नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो आपने क्या करना है, कुछ दिन इंतजार करना है, लेकिन इमदाद किस तरह चेक करनी है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ जिन खवातीन हजरात को नाइल कर दिया उसके हवाले से मैं कुछ चंद ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। जिन खवातीन को नाइल किया गया वो खवातीन क्या करें, अपने घर के किसी भी करीबी BISP के ऑफिस में चले जाएं, वहां पर जाकर आप अपना सर्वे करवा सकते हैं। तो काफी सी खवातीन हजरात है वो वहां पर सेंटर पर भी जाती है और वहां पर उनको कहा जाता है कि आपका भी सर्वे की डेट नहीं की गई है। तो मैं आपको बता दूं, उन खवातीन हजरात को इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हुकूमत की जानिब से अब तमाम खवातीन हजरात की जो अकाउंट्स हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो अनाउंसमेंट कर दी है। अब जब आप अपने घर के किसी भी करीबी अदायगी मरकज या फिर BISP के रजिस्ट्रेशन सेंटर जाएंगे, वहां पर आपको डेट बता दी जाएगी कि आपकी इस डेट को आपकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। तो आपने क्या करना है, तब जाकर आपने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही आसानी तरीके कार के जरिए करवा लेनी है। अब बात आ जाती है कि आप अपनी इमदाद को चेक किस तरह करेंगे, उसके बारे में आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन भी लेके चलता हूं। सो फाइनली गाइस, जैसा कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यहां पर मैं आपको बताऊंगा और साथ में समझाऊंगा कि आप इस प्रोग्राम के जो पैसे हैं वो किस तरीके कार के जरिए चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है और काफी से खानदान है जो खानदान इस पोर्टल के जरिए अपनी इमदाद को चेक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, काफी दोस्त कहेंगे कि ये पोर्टल झूठा है, फेक है, तो मैं आपको बताऊं कि आपको इस पोर्टल के जरिए आपको ये आपको बता दिया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए आहिल हैं, आपको इस प्रोग्राम की जानिब से नाइल कर दिया, आपका मसला क्या है, सारी के सारी डिटेल इस पोर्टल के जरिए आपको बताई जाती है। लेकिन ये पोर्टल आपको मिलेगा कहां से, उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल पर चला जाना, वहां पर आपने एक वेबसाइट को सर्च करना है, टॉप न्यूज प्रो, यहां पर आप स्पेलिंग नोट कर सकते हैं, TOP टॉप NEWSPRO। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपने इसको टाइप करना है, टाइप करने के बाद थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है, यहां पर आपके सामने यहां पर आपको लिंक दिया गया, यहां पर आप फर्स्ट लिंक को टाइप करें, टाइप करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, यहां पर आप टाइप करने के बाद आपके सामने ये जो पोर्टल ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहां पर आपने क्या करना है, अपना जो कौमी शिनाख्त का नंबर होता है वो यहां पर आपने जल्दी से यहाँ पर आपने टाइप कर देना है, यहाँ पर टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करने के बाद नीचे आ जाना, आने के बाद यहाँ पर आपने 3734 टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद मालूम करें, जैसे टाइप करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कफाल प्रोग्राम के लिए आहिल है, अगर आपने हाल ही में 8500 रुपये की पेमेंट नहीं वसूली आप अपनी इमदाद को वसूल कर सकते हैं। इसका मतलब ये मैसेज आपके पास शो हो जाए तो उसका मतलब आप इस इमदाद के हकदार हो चुके हैं और आपको इस प्रोग्राम की जानिब से आहिल भी कर दिया गया है। तो यही मुख्तसर सी अपडेट थी, उम्मीद है आपको ये छोटी सी अपडेट आपको अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।